नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ टॉप क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि 526 बराबर 9 और 834 बराबर 9 हो तो 716 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है। तो देखिए, जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यह देखेंगे यह 526 = 9 कैसे लिखा है, यानी 526 को यह 9 कैसे लिखा है। कहने का मतलब है दोस्तों, आप क्या करिएगा, ये जो 526 है किन संख्याओं से मिलके बना है, 5, 2 और 6 से मिलके बना है। तो आप ये सोचिए दोस्तों, 5, 2, 6 को हम क्या करें कि बराबर में दोस्तों ये 9 हो जाए, ठीक है, इस प्रकार से सोचना है। तो देखिए, जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, घटाएंगे कि किस प्रकार से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप यहां से देखिए, पहला और आखिरी संख्या यानी 5 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, और बीच वाला संख्या इसमें से माइनस कर लीजिए, 11 में से 2 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 9 होगा, वही 9 यहां पे लिखा है। समझ में आया, ये 834 है ना दोस्तों, 834 बराबर क्या लिखा है, 9 लिखा है ना, पहला और आखिरी संख्या, 8 4 जोड़ेंगे तो 12 और 12 में से बीच वाला संख्या ये 3 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। ये 716 है, 716 दोस्तों किस संख्याओं से मिलकर बना है, 7 1, देखिए किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, 7 1 6, पहला और आखिरी संख्या जोड़िए, 7 6 जोड़ेंगे 13 और बीच वाला संख्या इसमें से क्या करिए, माइनस कर दीजिए तो 13 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों क्या होगा, 12 होगा। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, बैगन मांस सब्जियों के बीच में। देखिए, वेन डायग्राम के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो हम आपको क्या बताएं, पहले आप उन शब्दों पर विचार करेंगे जिन शब्दों का वेन डायग्राम बनाना है, जिनमें कौन कौन से शब्द है, बैगन है, मांस है, सब्जियां है, ठीक है। तो आप सोचिए दोस्तों, बैगन क्या होता है, मांस क्या होता है, सब्जी क्या होता है, तो दोस्तों बैगन जो होता है वो सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा, और ये मांस दोस्तों ये अलग है, ये बैगन और सब्जी के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम बना देंगे एक सर्कल सब्जियों का, इसके अंतर्गत क्या रखेंगे, बैगन, सभी बैगन क्या होते हैं दोस्तों, सब्जी होते हैं, यानी सब्जी के अंतर्गत रख दिए। मांस क्या होता है दोस्तों, ये सब्जी नहीं होता है ना बैगन होता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस से किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराने वाले हैं, बस आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद हम और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपके आगामी जो भी आपकी परीक्षा चल रही है, रेलवे जैसे एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है, ठीक है, और आगामी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी ये जो ई बुक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ई बुक है, स्पेशल ई बुक है दोस्तों, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस ई बुक में शामिल किया गया है। ई बुक में दोस्तों 1500+ क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इन 1500+ क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या दोस्तों, हम आपको बता दें, साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के ऑनलाइनर 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। ई बुक को दोस्तों लेंगे कहाँ से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में दे दिए, कहीं पे भी क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब तक की दोस्तों ये बेस्ट ई बुक है, इस ई बुक को लेके एक बार आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर एक श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क पर आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखिए। यह 264 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 396 है, उसके बाद से क्या है दोस्तों 473, उसके बाद से दोस्तों क्या है 583। तो आप इसको क्या करेंगे, अंतर नहीं देखेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि कैसे कैसे आगे बढ़ रही, पहले संख्याओं को ध्यान से देखिए। अगर आप देखेंगे कि 264 से 396 हुआ, 132 बढ़ा, फिर 396 से 473 हो गया, 77 बढ़ा, इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे दोस्तों ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पहले आप कभी भी क्वेश्चन है देखिए, आगामी आपके कोई भी एग्जाम आए और इस टाइप के प्रश्न आपको दिखे, तो आप क्या करेंगे, पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। देखिएगा ये 264 है, ये 396 है, ये 473 है, ये 583 है। तो इसको आप ऐसे सोचिए, देखिएगा यहां पे पहला और आखिरी संख्या जोड़िए दोस्तों, दो चार जोड़ेंगे तो देखिए बीच वाला संख्या 6 मिल रहा है, 3 6 जोड़ेंगे तो देखिए बीच वाला संख्या 9 मिल रहा है, 4 और 3 जोड़ेंगे तो देखिए बीच वाला संख्या 7 मिल रहा है, दिख रहा है, 5 और 3 दोस्तों जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या 8 मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन, हम अब ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप ऐसे इसको नहीं सॉल्व कर सकते, ऑप्शन से देखिए। देखिए अब 5 और 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 7 5 12 होता है, बीच में 9 दिया है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होता है, 6 3 7 नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। 7 और 9 जोड़ेंगे तो 16 होता है, बीच में 2 दिया है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन सही होता है, मिलाने की जरूरत भी नहीं है, और मिला के आप देख भी सकते हैं। 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, बीच में 9 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों, 792 होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये नया टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी आपके कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इस प्रश्न को आप नोट जरूर करिए और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। गलत संख्या बताना है, यहां पे एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। तो दोस्तों श्रृंखला में अगला संख्या पूछे या गलत संख्या पूछे, तो कभी भी श्रृंखला या सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि संख्याएं कैसी दी गई है। यहां पे देखिए 3 8 4 15 6 35 9, उसके बाद से 79 13, उसके बाद से 168। ठीक है, इस प्रकार से, तो थोड़ा सा अगर गौर से देखें दोस्तों संख्याओं को, अगर मैं बोलूं तो आप ध्यान थोड़ा सा देंगे तो आंसर भी दिख जाएगा। कहने का मतलब है ये जो 3 है दोस्तों, 3 का स्क्वायर करिए तो 9 होगा, और 9 में से 1 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, देख रहे हैं। अगला संख्या 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 16 में से 1 कम कर दीजिए 15 हो गया, समझ रहे हैं ना। अगला संख्या देखिए 6 का स्क्वायर करिए 36 होगा, 36 में से 1 कम कर दीजिए 35। ठीक है, समझ में आ रहा है। 9 है ना, अगला संख्या 9 का स्क्वायर करिए 81 में से 1 कम कर दीजिए क्या होगा 80, और यहां पे दिया है 79। चलिए कोई नहीं, आगे देखिएगा। यहां 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 में से 1 कम करेंगे 168। तो गलत संख्या ही तो बताना है, गलत संख्या क्या होगी दोस्तों, 79, यानी कि 79 जो है दोस्तों 79 ये श्रृंखला का गलत संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर होना चाहिए 80, क्योंकि क्या कर रहा है, संख्याओं का स्क्वायर करके 1 कम कर रहा है, और इसमें क्या कर दिया है दोस्तों 2
कम कर दिया, इसलिए 79 इस श्रृंखला का गलत संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आप सबके लिए एक नया चैनल बनाया गया है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम के लिए, जिस चैनल पे दोस्तों एस्टेटिक जीके की डेली क्लास चल रही है। और हम आपको बता दें दोस्तों, वहां पे जो टॉप करंट अफेयर के टॉपिक है वहां पे भी कवर कराए जा रहे हैं। उस चैनल का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है, फटाफट आप लोग दोस्तों उस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, उस चैनल से भी लाभ जरूर उठाइए। जितने भी करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है सारे टॉपिक वहां पे कवर कराए जा रहे हैं और डेली स्टैटिक जीके का भी टॉपिक कवर हो रहा है, जो बार बार स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे टॉपिक वहां पे कवर कराए जा रहे हैं। उस चैनल से आप लोग दोस्तों जरूर जुड़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बता रहा हूं, अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि ऐसे प्रश्न एनटीपीसी में डेली पूछे जा रहे हैं और अदर एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ का ए, देखिएगा, एफ ए का पुत्र है, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन तो हम आपको पहले भी बताए हैं और रेलवे एनटीपीसी के लिए जो क्रैश कोर्स चलाया था उसमें भी बताया है। तो यहां पे देखिए आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है। बोल रहा है ए बी का भाई है, क्या बोल रहा है दोस्तों, ये जो ए है ये किसका भाई है दोस्तों, बी का भाई है, ये ए भाई है किसका, बी का। आगे देखिए बोल रहा है सेकंड लाइन में, सी ए की माता है, सी कौन है दोस्तों, सी ए की माता है। ऊपर चली जाएगी एक स्टेप, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बताया ना ब्लड रिलेशन वाला, समझिएगा। फिर बोल रहा है डी सी का पिता है, डी कौन है दोस्तों, सी का पिता है, ये किसका पिता है, डी दोस्तों, ये सी का पिता है, ध्यान दीजिएगा। और एफ ए का पुत्र है, एफ जो है दोस्तों क्या है, ये ए का पुत्र है, तो ए के नीचे जाएगा, समझ रहे हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको समझाया ब्लड रिलेशन में, समझिएगा। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ये ए जो है दोस्तों, ये जो ए आपको दिख रहा है, एफ के बच्चा, एफ का बच्चा कहां होगा, एक पीढ़ी यहां पे नीचे हो जाएगा, ठीक है, इसके बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो ए के बच्चा जो, देखिए सॉरी, एफ का जो बच्चा होगा, एफ का क्या लगेगा, देखिएगा, पुत्र लगेगा, समझिएगा, इस प्रकार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए बोल रहा है प्रश्न, देखिए प्रश्न बोला है ए एफ के बच्चे से किस प्रकार से संबंधित है, तो एफ पिता होगा और एफ का पिता कौन है, ए, यानी पिता का पिताजी क्या लगेंगे, दादाजी, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, दादा, यानी किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों, ए दादा, समझ रहे हैं ना, ए देखिए क्या है, एफ का पिता है और पूछ रहा है दोस्तों ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, एफ का बच्चा क्या होगा, नीचे होगा ना एक स्टेप में, तो एफ उसका पिता हो जाएगा और एफ के पिताजी कौन है, ए है, तो ये पिताजी के पिताजी क्या लगेंगे दोस्तों, दादा, आंसर होगा दादा। दादा देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा और सेकंड वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, एग्जाम टॉपर नाम है सेकंड वाले चैनल का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है, उस चैनल से जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। रेलवे एग्जाम के लिए वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं और आपके अदर एग्जाम के लिए भी टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं, तो अच्छे से जुड़ के लाभ जरूर लीजिए। चलिए और एक बात और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है ध्यान देंगे दोस्तों, हम आप लोगों के डिमांड पे क्रैश कोर्स भी बनाए थे, फ्री में क्रैश कोर्स बनाए थे और वो क्रैश कोर्स बहुत ही पॉपुलर हुई दोस्तों और आप लोगों का इस पर बहुत ही प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा है। और रेलवे एग्जाम के लिए रामबाड़ क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स को रेलवे एग्जाम के पहले आप जरूर देख लीजिएगा। रेलवे देखिए कहां से क्रैश कोर्स मिलेगा, आप एसएससी मेकर चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है जिसमें 38 वीडियोस हैं और रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से भी प्लेलिस्ट बना है, इसमें भी 38 वीडियोस है। ये वीडियो दोस्तों आपके रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिस प्रकार से आपके रेलवे के सिलेबस में चैप्टर दिया है उस प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर हम पूरे कवर किए हैं सिलेबस को, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग पढ़ के जाइएगा, ये आप लोगों की डिमांड पे बनाए थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बेहतरीन कोर्स है, इसका आप लोग लाभ जरूर उठाइए, ये आपके हित में, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, फिर भी आपको किसी चैप्टर या टॉपिक में प्रॉब्लम है उस चैप्टर या टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर देंगे तो अभी चैप्टर दोस्तों हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस सेट की भी आपके लिए बनी हुई है क्या प्लेलिस्ट, तो प्रैक्टिस सेट वाला भी देख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो मैथ्स आल वीडियो और रीजनिंग आल वीडियोज के नाम से भी प्लेलिस्ट बना है। मैथ्स आल वीडियोज में 339 और रीजनिंग आल वीडियोज में 334 वीडियो है, आप इसे भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना कर लेंगे एग्जाम में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। और ई बुक को भी लेके आप लोग जरूर पढ़िए, ई बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, तो उसे भी पढ़ लीजिए। फिर भी आपको कहीं समस्या है तो कमेंट करके बताइए, समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए हम जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।